पानीपत में इतनी विशाल सभा हो रही है, ऐसी बड़ी सभा जो आयोजन किए हैं, उस तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मैं अपना धन्यवाद देता हूं। और ये पानीपत हमने इतिहास में पढ़ा है कि पानीपत में हमेशा युद्ध होते रहे और यहाँ से हमेशा होते रही, और ये भूमि का गुण है कि लड़ाई करना और जीतना। वैसा ही आज भारत जोड़ो की जो लड़ाई है, और हमारे नेता राहुल गांधी जी जो पदयात्रा अब तक 3000 किलोमीटर तक पूरा किए हैं और आगे अभी 300-400 किलोमीटर बाकी है, वो जल्द से जल्द कंप्लीट होगा और जम्मू कश्मीर में जाकर वहां पर तिरंगा झंडा फैलाएंगे। और ये उनका ये साहस और उनका ये धैर्य देखकर सबको अचंभा हुआ है। भाई, हम तो राहुल गांधी जी को दिल्ली में देखते थे, एसी के कमरे में देखते थे, गाड़ी में देखते थे, लेकिन ये राहुल अलग निकले, जो कन्याकुमारी से लेकर पानीपत तक अपना जो पदयात्रा पूरे किए हैं, ये इससे देखिए, वो ठंडी में, पहले बारिश में, धूप में, हर तरह के सीजन में उन्होंने चलते रहा, और उनके पीछे जो हमारे भारत जोड़ो यात्री हैं वो भी चलते रहे। इसीलिए मैं उनको बधाई देता हूं, और ये जो उन्होंने हमारे युवकों में धैर्य